अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अमेज़न की बात क्यों कर रहे हैं। चलें जी, वर्चुअल असिस्टेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि आप कोई भी सर्विसेज जो अपने घर पे बैठ के या अपनी जगह पे बैठ के देते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाती हैं। तो हम अमेज़न की बात क्यों कर रहे हैं, हम किसी और मार्केट प्लेस की बात क्यों नहीं करते। देखिए, बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। हम हमेशा काम वहाँ पर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज़्यादा दुनिया में अमेज़न पर होती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बिज़नेस है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का, वो अमेज़न पर होता है। तो इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी छोटी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर चांसेस कम है हमारे पैसे कमाने के। बड़ी मार्केट में जाएंगे चांसेस ज़्यादा हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इतने सारे लोगों ने ये काम सीखना है। अगर मैं आपको किसी छोटी मार्केट का बता दूंगा तो वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को काम करने का। अर्निंग पोटेंशियल भी इतना नहीं होगा, सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हम जाते हैं बड़ी मार्केट में। आप देखते हैं लोग बिज़नेस करने के लिए क्या करते हैं। आमतौर पर जिसने बड़ा बिज़नेस करना होता है वो किसी अच्छी जगह पर जाता है, बड़े शहर में जाता है। आप लोग किसी छोटे से शहर में, छोटे से गाँव में रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सोचते हैं जी बिज़नेस करना है, बड़ा बिज़नेस करना है। चलें जी लाहौर, कराची या इस्लामाबाद चल के बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाते हैं। रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें। क्या आप में से कोई बंदा अपने गांव में, छोटी सी गली में या छोटे से मोहल्ले में कोई रेस्टोरेंट बनाएगा 1 करोड़ रुपया लगा के? कोई भी नहीं बनाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पर तो पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ पर तो मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आने, यहाँ पर तो मुझे पैसे ही नहीं बचने। मैं किसी बड़े शहर में जाके किसी बड़े रोड पर, किसी बड़ी जगह पर रेस्टोरेंट बनाऊँगा। बस यही से आप अमेज़न को समझ जाइए कि हम अमेज़न पे इसलिए जाते हैं कि बड़ी मार्केट प्लेस है, मौके ज़्यादा है पैसे कमाने के। इसलिए हम अमेज़न पे जाते हैं कि छोटी मार्केट में अगर 50 लोग आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमेज़न पर हज़ारों क्या लाखों लोग भी आ जाएँ तो कम्पटिशन नहीं होगा। ये गलत फहमी है लोगों की जी अमेज़न में सेचुरेशन है। मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अमेज़न अभी सिर्फ चंद मुल्कों में है और आईडी बनती है 105 मुल्कों से। तो अमेज़न फैल रहा है। अगर इधर से VAs ज़्यादा बन रहे हैं तो अमेज़न भी एक्सपेंड कर रहा है अपना बिज़नेस। अभी पिछले साल 2021 में अमेज़न ने ऑफिशियली सऊदी और दुबई में अपना, यानी अमेज़न को ऑफिशियली लॉन्च किया वहाँ पे। पहले सूक और नून था, उसको टेक ओवर किया अमेज़न ने। तो इस तरह अमेज़न फैलता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2020 या 2019 में अमेज़न आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर नए साल में नए मुल्क में अमेज़न आ जाएगा। तो जो VAs होंगे, जिन्होंने काम सीखा होगा, आप लोग जो काम सीखेंगे ना, वो एक मार्केट का नहीं होगा। आप लोग बेसिकली अमेज़न का काम सीखेंगे। अब चाहे वो सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, चाहे UK हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आप हर जगह पे काम कर सकेंगे। तो जब आपके पास एक स्किल आ जाएगी ना, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में। तो जब अमेज़न फैलता जाएगा, इधर से VAs बढ़ते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, अमेज़न भी तो फैल रहा है, तो हम लोग वहाँ पर काम कर लेंगे। ये वजह है कि हम अमेज़न की बात करते हैं कि अमेज़न ऑलरेडी बड़ी मार्केट प्लेस है, और फिर हमें पता है कि अमेज़न फैलता जा रहा है दिन ब दिन, और कोई ऐसी बड़ी साइट नहीं है कि जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही हो जिस तरीके से अमेज़न कर रहा है। तो ज़ाहरी बात है, जब हमने पैसे कमाने तो हम बड़ी जगह ही देखेंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी, हम बड़े शहर में रेस्टोरेंट बनाएंगे ना, कि चले वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आएंगे ना हमारे पास, छोटे शहर में तो हमारे पास बिज़नेस कम आएगा। तो इस वजह से हम अमेज़न को प्रेफर करते हैं वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस। और इस पर सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है, जब आप लोग ये काम सीख लेंगे ना, तो यही सर्विसेज आप वॉलमार्ट पे, आप ईबे पे, आप इट्सी पे भी दे सकेंगे। वॉलमार्ट, ईबे और इट्सी, ये भी मार्केट प्लेसेज हैं जैसे अमेज़न है ना। तो आप लोग अच्छा कैसे दे सकेंगे, छोटे से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक बंदा कहता है जी मुझे ग्लास बेचना है अमेज़न पे, मुझे आप सोर्स करके दे दें। आपको सोर्सिंग आती है, आप अलीबाबा पे जाते हैं, उसे ढूंढ के दे देते हैं प्रोडक्ट। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने वॉलमार्ट पे बेचना है ग्लास, मुझे ढूंढ के दे दें। तो क्या आपको कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि सोर्स कैसे करना है। बेचने वाला चाहे स्टोर पे रख के बेचे, गली के स्टोर पे रख के बेचे, चाहे अमेज़न पे बेचे, चाहे ईबे पे बेचे, आपने तो उसको प्रोडक्ट सोर्स करके देनी है ना। तो इस कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको, कि आपके लिए पूरी दुनिया की मार्केट प्लेसेस के रास्ते खुल रहे हैं, सिर्फ अमेज़न के नहीं खुल रहे। हम अमेज़न की इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है। जब आप बड़ी में चले जाते हैं तो छोटी छोटी मार्केट्स आपको खुद ब खुद आ जाती हैं, वो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं।